अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जो टेक ऑफ करने के ठीक 37 साल बाद लैंड हुआ। ये वाकया आपने इंटरनेट पर शायद सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस वाकये की असल हकीकत से आगाह करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वाक्य कुछ ऐसा है कि 2 जुलाई 1955 की एक आम सुबह एक जहाज़ जिसका नाम अमेरिकन फ्लाइट 914 है, ये जहाज़ ठीक 9:55 AM पर टेक ऑफ करता है। इस जहाज़ में 57 पैसेंजर मौजूद हैं और 6 क्रू मेंबर। ये जहाज़ न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है और इस जहाज़ की डेस्टिनेशन है मियामी, जहाँ इसने तकरीबन 12:25 AM पर लैंड करना था। तो नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि जहाज़ को उड़ने से पहले उसको अच्छी तरह चेक किया जाता है कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं जो फ्लाइट के दौरान जहाज़ को दरपेश हो, तो नाज़रीन सेम इसी तरह 914 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टेक ऑफ करने से पहले इसकी अच्छी तरह टेक्निकल चीज़ों को चेक किया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो नाज़रीन कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। एरोप्लेन को टेक ऑफ कर दिया जाता है टेक ऑफ करने के ठीक 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक ये फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती रहती है, इसका सफ़र भी सिर्फ 2 घंटे का था। तो नाज़रीन इस पॉइंट में हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है कि कैप्टन जेम्स जो कि इस जहाज के कैप्टन हैं, वो कंट्रोल टावर से रابطہ करते हैं और ये बात कहते हैं, कंट्रोल टावर ये फ्लाइट 914 है और मैं इस जहाज का कैप्टन जेम्स बोल रहा हूँ, हमें टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, हम अपनी पोजीशन खो बैठे हैं। मेरी कोशिश है कि हम करीब तरीन एयरपोर्ट पर लैंड कर दें, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम किधर हैं। तो नाज़रीन इसके बदले में कंट्रोल टावर से जवाब आता है, फ्लाइट 914 हम आपको अपने रडार पर तलाश नहीं कर पा रहे, हमें आप अपनी पोजीशन के बारे में मज़ीद मालूमात दें। तो नाज़रीन कैप्टन जेम्स फिर इन्हें रिप्लाई करते हैं, यहाँ जहाज़ के नीचे एक शहर आबाद है लेकिन ये मियामी नहीं, इमारतें सब मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं मालूम हम कहाँ हैं। तो नाज़रीन इस बात के बदले में कंट्रोल टावर से एक रिप्लाई आता है, फ्लाइट 914 बराह करम हमें अपनी सूरत हाल से आगाह रखें, हम आपकी मदद के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन फिर पायलट कहते हैं जी ठीक है कंट्रोल टावर। बस नाज़रीन ये आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन थी कंट्रोल टावर और पायलट के दरमियान, इसके बाद रابطہ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कंट्रोल टावर में एक हलचल सी मच जाती है, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अचानक से ये जहाज़ कहाँ गायब हो गया। लेकिन नाज़रीन फ्लाइट 914 बादलों में कहीं गायब हो जाती है। तो नाज़रीन बहुत से सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं कि किसी ना किसी तरह 914 का पता चल जाए कि क्या कहीं ये किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, या कहीं ये किसी पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया हो, या कहीं कोई इंजन फेलियर की वजह से ये तबाह हो गया हो, लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद इस जहाज़ को उन जहाज़ों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है जो कि गुम हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन अब आपको ये बात सुनकर थोड़ा झटका सा लगेगा, क्योंकि नाज़रीन इस वाक़या के 37 साल बाद 9 मार्च 1992 को एक जहाज़ वेनेजुएला के शहर में नमूदार होता है। तो जहाज़ का पायलट कंट्रोल टावर से रابطہ करते हैं कि ये 914 है। जी हाँ, ये वही जहाज़ होता है जो 37 साल पहले गायब हुआ था। तो जब पायलट उनसे ये कहते हैं कि ये 914 है तो सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर पायलट कहते हैं कि हमको लैंड करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर कंट्रोल टावर रनवे को खाली करवाते हैं और उन्हें लैंडिंग की इजाज़त देते हैं। लैंडिंग के बाद पायलट कहते हैं कि ये कौन सी जगह है और आज क्या तारीख है, तो इसके जवाब में कंट्रोल टावर वाले कहते हैं कि आज 9 मार्च 1992 है। तो इसके जवाब में पायलट कहते हैं कि क्या आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं, तो कंट्रोल टावर वाले कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, आज वाकई ही 9 मार्च 1992 है। इतने में रनवे पर पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। तो नाज़रीन इतने में जहाज़ में मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने 1955 में टेक ऑफ किया था तो एकदम से जो ही हमने लैंड किया तो 1992 कैसे हो गया। तो नाज़रीन इतने में जेम्स जो कि जहाज़ के पायलट थे उनके हाथ में एक कैलेंडर नज़र आता है। नाज़रीन ये कैलेंडर 1955 का होता है और ये कैलेंडर जेम्स के हाथ से गिर जाता है। तो नाज़रीन जेम्स अपने जहाज़ में वापस जाते हैं और कंट्रोल टावर की तरफ इशारा करते हैं कि आप हमसे दूर हो जाएं। तो नाज़रीन भी कंट्रोल टावर भी ऐसे ही करते हैं, उनसे दूर होते हैं। इतने में जेम्स अपना जहाज़ में बैठ के जहाज़ को स्टार्ट करते हैं और फिर जहाज़ को फिर से टेक ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये जहाज़ फिर बादलों में कहीं गायब हो जाता है और उसके बाद इस जहाज़ का नामो निशान भी नहीं मिलता। नाज़रीन मुझे यकीन है कि आपने ये कहानी पहले भी यूट्यूब चैनल पर कहीं ना कहीं सुनी होगी,
तो नाजिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस तरह आपने किसी भी चैनल पे अगर ये स्टोरी आपने सुनी है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने या तो उन्होंने डेट चेंज कर दिया होगी, साल चेंज कर दिया होगा, इसी तरह कुछ उन्होंने किया होगा। तो नाजिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ये कहानी बिल्कुल झूठ है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक ऐसे आर्टिकल दिखाता हूँ जिनमें ये बात साफ लिखी है कि ऐसा कोई जहाज नहीं था, और नाजिन विकीपीडिया भी इसे नहीं प्रूव करता, सबसे बड़ी बात। और नाजिन अगर हम देखें, कॉमन सेंस है कि इतना 37 साल तक कौन जिंदा रह सकता है खाई पिए बगैर, और नाजिन 37 साल तक कोई जहाज लगातार चल ही नहीं सकता, उसमें फ्यूल की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर 37 साल तक एक जहाज चले उसके इंजन ही नाजिन खराब हो जाए। तो नाजिन ये बिल्कुल झूठ कहानी है। ये आर्टिकल जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में ये 75,000 बार ये शेयर की गई है। तो नाजिन असल में ये सबसे पहले अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में ये कहानी शाया हुई, जो कि अपनी फर्जी कहानियों की वजह से जाना जाता है। नाजिन असल में इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको हम सही इन्फॉर्मेशन से आगाह करें। जैसा कि मैंने बहुत से चैनल देखे हैं जो कुछ व्यूज़ लेने की खातिर ऐसी झूठी कहानियाँ लगा देते हैं। नाजिन आपको ये भी कहना चाहूंगा, आप अगर किसी भी चैनल को देखते हैं तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि आप उस चैनल को सिर्फ देखें जो प्रूफ के साथ बात करता है। तो नाजिन उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह अथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो नाजिन आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।